हमारे पाकिस्तान में पता नहीं 12 करोड़ या कितने करोड़ का झंडा लगाया जा रहा है, मतलब झंडा 40 करोड़ का एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। और मतलब आके हमारे पीएम और सीएम है जो, वो कह रहे हैं हमें जो स्पॉन्सर हुआ है यार, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। 40 करोड़ का आपने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई आवाम की खिदमत के लिए कोई चीज़ बनाई हो, समझ आती है, आप झंडे लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। इंडिया को देखें, वो चांद पर गई है ना, वो अपने हर चीज़ अपनी प्रोग्रेस कर रही है, अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग करती जा रही है कि रशिया ने वीज़ा उसके लिए फ्री कर दिया। आपको इस चीज़ का इंडिया का देखा जाए तो सर, इंडिया हमसे एजुकेशन में बहुत 100 दर्जे आगे है। आईटी सेक्टर एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जितनी भी बड़ी ममालिक में जितनी भी बड़ी कंपनियाँ, उनके सीईओ ज़्यादातर इंडियंस हैं। कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इंडिया जॉनसन है वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे दुनिया उसकी इज्जत करती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है। दूसरे ममालिक में जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्रीस की बात करें, यूके की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी को एक ट्रेंड, एक कंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी गेट आउट, ये पाकिस्तानी निकल जाओ हमारे मुल्क से, ये पाकिस्तान की इज्जत रहेगा ये दूसरे ममालिक में। सर, जब तक वो ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज सर अंजाम नहीं देंगे, तो सर दूसरे ममालिक के हमारे अपने ममालिक में लोग यही कहेंगे, कोई इज्जत नहीं है मांगने वाले की, कर्ज में डूबे हुए हैं। जब हमारी कोई हुकूमत मतलब आती है, मांगने वाले हैं और मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं है। यही कहूँगा कि पाकिस्तान तरक्की तो कर नहीं रहा, इंडिया हमसे 10 गुना बेहतर हो गया है। पहले उनकी इकोनॉमी क्या थी और हमारी इकोनॉमी क्या है, उधर एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा है और हमारे यहाँ आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद नबील हसन। क्या करते हैं आप? मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर, लॉ स्टूडेंट। मैं साथ हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जो मेरा आज का सवाल है वो सबसे पहले तो ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन चल रही है तो कुछ बेहतर नज़र आ रही है या बहुत ही बैड नज़र आ रही है? आप सर्वे करके देखें, जितनी हमारी यूथ है या जितना एजुकेटेड हमारा तबका है ना, वो इस टाइम बाहर शिफ्ट हो चुका हुआ है। और जोक नहीं है लेकिन मुझे रियलिटी लगती है, अब जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये हालात चल रहे हैं यार। इतनी महंगाई, जिंदा भाग पाकिस्तान, जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से बस जिंदा भाग। क्या वजह निकलो, क्या वजह? एक आपकी एक आम एम्प्लॉय है, उसकी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है, आप 20-25 हज़ार में कितना सर्वाइव करेंगे? कर ही नहीं सकते। आपकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा लो हो गई हुई है कि अगर बिजली का बिल, एक बंदा थोड़ी सी बिजली यूज़ करता है उसको 7-8 हज़ार तो बिल आ जाता है, जिसका घर रेंट पर है। अगर वो बुरे से बुरी हालत में भी कोई कमरा रेंट पर लेना, 10 से 12 हज़ार रुपये का रेंट है, ठीक है, 12 और 5 से 6 वो बिल हो गया 18 हज़ार। 18 हज़ार के बाद जहाँ पे वो जॉब करता है उसके आने जाने का एक्सपेंस है, अगर वो स्मोकिंग करता है उसके सिगरेट का एक्सपेंस है, अगर वो बंदा 12 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करता है, उसने बाहर जाकर कोई बोतल पी ली, पानी पी लिया या कुछ भी छोटा मोटा एक्सपेंस कर लिया, 25 हज़ार खत्म। तो आपने हालात बताए पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है आपके बकौल, क्योंकि पाकिस्तान से जिंदा बाग नहीं, ओवरऑल ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेम सिचुएशन, क्या इंडिया में भी यही देख रहे हैं या इंडिया में कुछ हालात हमारे से बेहतर नज़र आते हैं, या क्या कहेंगे इस पे आप? सर वो इस टाइम वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज में जा रही है। हमारे पाकिस्तान में पता नहीं 12 करोड़ या कितने करोड़ का झंडा लगाया जा रहा है, मतलब झंडा 40 करोड़ का एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। और मतलब आके हमारे पीएम और सीएम है जो, वो कह रहे हैं हमें जो स्पॉन्सर हुआ है यार, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। 40 करोड़ का आपने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई आवाम की खिदमत के लिए कोई चीज़ बनाई हो, समझ आती है, आप झंडे लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। इंडिया को देखें, वो चांद पर गई है ना, वो अपने हर चीज़ अपनी प्रोग्रेस कर रही है, अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग करती जा रही है कि रशिया ने वीज़ा उसके लिए फ्री कर दिया। आपको इस चीज़ का आइडिया? इंडिया हमेशा ही अपनी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई तोहफा देता अपनी आवाम को। पहले पिछले साल उन्होंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई थी जो तोहफे में दी, इस दफ़ा जो है वो चंद्रयान 3, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो वहाँ पे लैंड करने जा रहा है, जो कि 23 अगस्त को सॉफ्टली लैंड भी कर जाएगा, तो ये वहाँ पे नई से नई अचीवमेंट देख रहे हैं। और रिसेंटली रशिया ने भी जो है वो इंडिया को फ्री वीज़ा की ऑफ़र दे दी है कि आप फ्री वीज़े में आप हमारे मुल्क में आ जा सकते हैं। तो ये दूसरे तमाम ममालिक इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ, हमारे मुल्क में काम करें, या वहाँ से जितने भी इन्वेस्टर वो इंडिया में आने को तैयार है। लेकिन जो बैड सूरत हाल है वो पाकिस्तान की है कि ना तो यहाँ पे कोई आने को तैयार है। और इंडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे इस वक्त?
इंडिया की यार देखें सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग जितने भी हमारे फॉरेनर्स हैं या बाहर के लोग हैं ना, जितने भी ममालिक हैं उनका ट्रस्ट लेवल ही नहीं है क्रिएट यहाँ पे। यहाँ पे जो एक बेचारा जो एक ठेला लगा के बैठा हुआ है उसकी कोई ज़िंदगी नहीं बसर हो रही। बिजली के जो हालात हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, सारी इंडस्ट्री तबाह होती जा रही है। इसीलिए हो रही है ना कि एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं, कभी कोई टैक्स आ जाता है, कभी कोई टैक्स आ जाता है, एक फैक्ट्री लगाने वाला भी तंग हो गया, फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। तो ये जो नॉर्मल ये जो ठेले लगा के बैठे हैं इनका क्या हाल होगा? तो जो बाहर से जिस बंदे ने भी आना उसको हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है, कभी कोई ना हेल हो जाता है, कभी कोई ना हेल हो जाता है, उसको आपकी हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है, वो इधर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी ही नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सबसे बड़ी दूसरी बात ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिक्योरिटी आपकी कोई नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कोई नहीं है। आपको नहीं पता आप यहाँ से निकले हो, आपको रस्ते में किसने रोक के लूट लेना, किसने मार देना, इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं सर बाहर के नेबर कंट्रीज़ की, जहां पे हमारे लोग जो कि एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है वर्किंग के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वहां पे भी हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। रिसेंटली देखा जाए जैसे कि ग्रीस में देखा जाए, यूके में देखा जाए, तो वहाँ से पाकिस्तानियों को किकआउट किया, कंपेन चलाई जा रही है बाकायदा कि पाकिस्तानियों को किकआउट किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी नज़र आती है? क्या पाकिस्तानियों का इमेज हमारे सियासतदानों ने ख़राब किया या हमारे पाकिस्तानियों ने खुद ख़राब किया? पहली बात तो ये है कि उसका नाम क्या है, कुरानी फैसला कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान, और जो हुक्मरान वाला वर्ड है वो मुसल्लत का वर्ड यूज़ किया गया वहाँ पर। मुसल्लत का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती अल्लाह की तरह से आपके ऊपर इस तरह के हुक्मरान लगाए जाएंगे। तो पहली बात तो यह कि हम आवाम खुद गलत हैं, हम खुद इनको लेके आने वाले हैं, और जब हम उनको ला के मौका देते हैं तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और पूरा उन्होंने इमेज ख़राब किया हुआ। लेकिन सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैंने बात की है, दोबारा से करने वाला हूँ कि इंडिया के हवाले से बात करूँ या फिर बांग्लादेश की बात करूँ या अफगानिस्तान की बात करूँ, ये दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे इनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, बाकायदा उनको जॉब्स दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ही ऐसा ट्रेंड क्यों बन चुका है कि पाकिस्तानियों को बॉयकॉट किया जा रहा है दूसरे ममालिक में? यहाँ पे जो निचला तबका है वो पिसी जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारी सियासत है या जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है, यहाँ पे किसी को मेरिट के लिहाज में नहीं रखा जाता। अब इंडिया या जितने भी दूसरे हमारे ममालिक हैं उनको देखें, इंडिया का जो इस टाइम इंडिया का एक बंदा है वो यूके में से प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल, बिकॉज वो मेरिट को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हमारा यहाँ का रहने वाला है या नहीं रहने वाला, वो मेरिट को फॉलो करते हैं, जो मेरिट पे पूरा उतरता है उसको वो उस चीज़ को देते हैं, उस चीज़ को। हमारे पाकिस्तान में नहीं हुआ जाता। आपको पता है यहाँ पर रिश्वत का निज़ाम चलता है, रिश्वत देने वाले भी हम हैं, गलत हम ही हैं। सर लास्ट हमारी 14 अगस्त गुजरी है और आज 15 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से एक छोटा सा नुक्ता उठाऊंगा कि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ में, अक्सर बुर्ज खलीफा की बात करूं, दुबई यानी कि यूए की बात करूं, जहां हमेशा ही पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है पाकिस्तान की सेलिब्रेशन में, लेकिन इस साल उन्हें सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराया गया। और अगर इंडिया की बात करें तो उनका झंडा लहराया गया है। तो आपको कहीं तजाद नज़र आता है या इसमें भी हमारी पॉलिटिशियन ही शामिल है जिसकी वजह से कि हमारे लोगों का या हमारे जो वहाँ पे लोग गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, देखा जब झंडा ही नहीं लहराया गया तो एक उनको एक अफसोस हुआ, बैडनेस नज़र आई, क्या कहेंगे इस पर? छोटी सी बात है कि हम इस टाइम मेरा ख्याल लाहौर में बरकत मार्केट में खड़े हैं ना, सामने जाके बैठ जाएँ आप तो मैं आपके साथ आके बैठूंगा ना अच्छे कपड़े पहन के, और आपको पता लगेगा कि इस बंदे का स्टैंडर्ड है। मैं आपको कहूँगा ना वो पानी की बोतल पकड़ा दो तो आप पकड़ा देंगे। वही एक फ़कीर मांगने वाला आके आपको कहना पानी पकड़ाने का, तेरे हाथ टूटे ने आप ही फाड़ ला, कोई इज्जत नहीं है मांगने वाले की, कर्ज में डूबे हुए हैं। जब हमारी कोई हुकूमत मतलब आती है मांगने वाले हैं हम, और मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं है। कोई फ्यूचर लास्ट पे कि पाकिस्तान बेहतरी की सिमत जाता हुआ कोई दिखाई देगा आगे कोई एक दो चार साल में, या बस पाकिस्तान के यही हालात रहने वाले हैं? क्योंकि वही बात कि पाकिस्तान से जिंदा बाग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं यही बात करूंगा, मुझे नहीं पता कि पीटीआई या इमरान खान साहब, मैं उनका सपोर्टर ज़रूर हूं, लेकिन कहते हैं कि जब आपको चार ऑप्शन गलत नज़र आ रहे हो ना तो जो उनमें से कुछ आपको बेहतर लग रहा है, आप कोई पेपर भी सॉल्व करें तो जो आपको सबसे एक्यूरेट लग रहा है तो आप उसको ही चूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान सबसे बेहतर है, क्योंकि उसने आपके मुल्क की इज्जत को हर जगह पर बनाया है। आप यार सोशल मीडिया हर बंदा देख रहा है, आप उनके सर्वे करके देखें कि इमरान खान को किस तरह वेलकम किया जाता है, वो यूएसए है, यूके है, तुर्की है, जो भी मुल्क है
उसको किस तरह वेलकम किया जाता है और हमारे दूसरे जितने भी सियासी लीडर्स हैं उनको किस तरह वेलकम किया जाता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये है कि हर बंदे को इंडिविजुअली चेंज होना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। लेकिन अपने आप को भी क्या ठीक करें जब एक इंसान देखता है कि उसको इतने राइट्स मिल रहे हैं, उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है और गरीब को वैल्यू नहीं दी जाती, फिर ऑब्वियसली उसने रॉन्ग पाथ ही यूज़ करना है। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान तरक्की तो कर नहीं रहा, इंडिया हमसे 10 गुना बेहतर हो गया है। पहले उनकी इकोनॉमी क्या थी और हमारी इकोनॉमी क्या है, उधर एजुकेशन का सिस्टम इतना अच्छा है और हमारे यहाँ आपके सामने है। यानी कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे 100 दर्जे बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं सर इंडिया के हवाले से, तो इंडिया जो है वो अपने दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन जो है वो बहुत बेहतर नज़र आते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के, अपने नेबर कंट्री के साथ कोई रिलेशन इतने अच्छे नज़र नहीं आते, बेशक वो हमारे नेबर कंट्री क्यों ना हो, जैसे कि इंडिया की बात कर लें या फिर हम ईरान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें या दूसरे जितने भी ममालिक हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नज़र नहीं आते। इसके पीछे वजह क्या लगती है? ये सारा हमारे हुक्मरान पर भी डिपेंड करता है, वो क्या कर रहे हैं आपस में, ये खुद अपने मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, आपस में इनकी बन रही है, दूसरे मुल्कों के साथ क्या इनके तल्लुकात कायम होंगे। अच्छा सर, मैं आपसे मज़ीद ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया जिस तरह से अपने आप को तेज़ी से आगे लेके जा रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज बात करें, एजुकेशन वाइज बात करें या फिर हम किसी भी इंडस्ट्री वाइज बात करें, तो वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। और पाकिस्तान की तो ये कंडीशन है कि हम बस आए शाएँ बाएँ कि कब मौका मिले, हम तो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर एक और भी ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे यहाँ, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे जी? पहले हमारे ये स्लोगन चलता था पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आजकल ये स्लोगन चल रहा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। सर आपने बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जॉब्स वगैरह है नहीं, बेसिकली बेसिक सैलरी पाकिस्तान में 25,000 है, बल जबकि बिजली का बिल ही पाकिस्तान में 25,000 आ जाता है। एक मिडिल क्लास बंदा तो यहाँ पे रहना अफोर्ड नहीं करता, यहाँ पे सैलरी का निज़ाम 25,000 है, 25,000 ही बिल आ जाएगा तो इंसान खाए पिएगा क्या? यहाँ पे तो सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान से। सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे एक तो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, दूसरी बात करें कि रशिया जो है वो इंडियंस को प्रेफर कर रहा है कि बग़ैर वीज़े के आप हमारे मुल्क आएँ, और अगर हम कहें तो हमारे तो अपने किसी नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है कि कोई फ्री वीज़ा तो हमें दूर की बात है। हमारे जो लोग पैसे दे के वीज़े पे जाते हैं ना दूसरे ममालिक में, उनकी इज्जत नहीं की जाती। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको पता है अल्लाह हाफिज़ है, यहाँ पे पर्ची सिस्टम है, सिफारशी सिस्टम है, जिसके पास सिफारिश है वो नंबर 1 है जी, वरना आपके सामने है। यानी कि आपको लगता है कि हमारा जो निज़ाम है एजुकेशन का वो बहुत बैड नज़र आता है? सर नज़र क्या आ रहा है आपके सामने है, किसी से भी आप खड़े होकर पूछ लेंगे। और अगर इंडिया का देखा जाए तो सर इंडिया हमसे एजुकेशन में बहुत 100 दर्जे आगे है। आईटी सेक्टर एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल जितनी भी बड़ी ममालिक में जितनी भी बड़ी कंपनियाँ उनके CEO ज़्यादातर इंडियंस हैं। बिल्कुल ऐसा आपने सही कहा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो इंडियन ही नज़र आते हैं, गूगल का हो या यूट्यूब का हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बेशुमार कंपनीज़ ऐसी नज़र आती है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जहाँ पे इंडियंस ही नज़र आएंगे। और हत्ता कि हम उनके इंडियन ओरिजिन ऐसे लोग नज़र आते हैं जो दूसरे ममालिक में एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्किंग कर रहे हैं। सर बिल्कुल दुरुस्त है, या हमारे अपना पाकिस्तान में देख लें प्राइम मिनिस्टर का निज़ाम, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से लड़ मार रहे हैं, तो हमारा मुल्क तरक्की क्या करेगा? हमारा मुल्क तरक्की क्या करेगा? लास्ट पे देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे दूसरे ममालिक में, जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्रीस की बात करें, यूके की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी को एक ट्रेंड, एक कंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी गेट आउट, कि पाकिस्तानी निकल जाओ हमारे मुल्क से, ये पाकिस्तान की इज्जत रहेगा ये दूसरे ममालिक में? सर जब तक वो ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज सर अंजाम नहीं देंगे, तो सर दूसरे ममालिक हमारे अपने ममालिक में लोग यही कहेंगे। हमारे मुल्क में तो कुछ रहा नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी कोशिश है कि हमने यहाँ स्टे ही नहीं करना, मज़दूर तबका भी हमारा परेशान है और पढ़ा लिखा भी, और मतलब इस टाइम जो बिजनेसमैन है वो भी परेशान है, हत्ता कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान को छोड़ के जाने को तैयार है, तो हमारे लिए तो बड़ा लम्हा फिक्री है। और अब बात करें नेबर्स की, तो नेबर्स तो बड़ा दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है। सर हमारी इकोनॉमी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी, बेशक पढ़ा लिखा है, बेशक मज़दूर है, यहाँ पे बेसिक सैलरी 25,000 से शुरू हो रही है, और यहाँ पे बिजली के बिल आपके सामने अगर 25,000 आ गए तो यहाँ पे इंसान सर्वाइव करेगा आगे अपना कुछ सोचे बिजनेस का? ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हो गया? हाँ हो गया। सर जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, करंट सिचुएशन की बात करें, क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के? हालात तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पता है जो हालात चल रहे हैं। क्या इसी तरह के सेम हालात
हमारे नेबर कंट्री इंडिया में भी देखे जा रहे हैं या हमारे से कुछ बेहतर हैं? वो तो हमसे बहुत आगे हैं, नो डाउट, मुआशी तौर पे भी और इक्तसादी तौर पे भी। तो सच तो यही है। ठीक है, अगर सर मैं बात करूँ इस टाइम जो कि फ्री वीज़े के हवाले से, तो अगर हम बात करें हमारा किसी कंट्री के साथ कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बग़ैर वीज़े के किसी भी कंट्री में आ जा सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता, बिल्कुल आप सही पहुँचे। अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो रशिया के साथ जो है वो बग़ैर वीज़े के आ जा सकते हैं, उन्होंने एक नई पॉलिसी जो है वो साइन की है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि रशिया ने इंडिया के साथ ये जो है वो बग़ैर वीज़े के इंडियन जो है वो रशिया में जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? वो जा सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है और हमसे बहुत आगे हैं, मुआशी तौर पे भी और इक्तसादी तौर पे भी, तो काफ़ी तरक्की की हुई है, उनका बनता भी है कि वो जाएं और ताल्लुकात होने चाहिए। इंशाल्लाह हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। कब होंगे? क्योंकि हमें यही सुनते हुए 76 इयर्स का एक अरसा हमने गुजार डाला, लेकिन आज तक भी हमारे यहाँ कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और अगर बात करें, हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाकर एक झंडा ज़रूर बनाया, और आप देखिए कि हमारे वो अरब ममालिक जो इस्लामी ममालिक हमेशा से जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी 14 अगस्त पर हमारा झंडा ना लहरा कर इस दफ़ा एक सबूत दिया है कि, और इंडिया का झंडा ज़रूर लहराया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इंडिया जॉनसन है वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे दुनिया उसकी इज्जत करती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है। वो देखें वो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहाँ पे बैठे हुए, हम सिर्फ परेड तक रह गए हैं कि हमारे टांगे जॉनसन है, आर्मी की जॉनसन है, वो ज़्यादा सलूट और इन चीज़ों पर हमारा सिर्फ फोकस है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इंटरनेशनली लेवल पे भी, तो तभी हम तरक्की करेंगे, वरना बहुत जो हालात नज़र आ रहे हैं, डॉलर भी बढ़ गया है और हालात तो ठीक नहीं है इस टाइम। सर, एक वाहिद हमारे साथ जो है वह चाइना है, जिसके साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं दूसरे तमाम ममालिक के साथ कुछ बेहतर नज़र नहीं आते, या दूसरे ममालिक के साथ कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। कौन करेगा जब हमारे हालात नहीं ठीक होंगे? और IMF का हम पे जॉनसन है वो ऊपर सर जॉनसन है उसका मुंडला रहा होगा, तो हमारे साथ कोई भी नहीं करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे हालात बहुत ख़राब है, इंपोर्ट बंद हुई हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो हालात तो ख़राब ही है, कौन करेगा हमारे साथ? ताल्लुकात कोई भी नहीं रखेगा। और चाइना अगर रख भी दे, इतने अरसे से रखे भी है, तो वो कब तक करेगा? सऊदी अरब का भी यही हाल है कि वो कब तक वो हमारे साथ देगा। इसी तरह दुबई है, तो ये कंट्रीज़ ने काफ़ी हद तक साथ दिया है, लेकिन एक शर्म हया भी होती है, वो तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है।